कारपेट एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हमारे 40-50 साल तक वो टिकाऊ है, उसकी चमक भी है, जितना पुराना होगा उतना चमक ज़्यादा है, जिसका जितना ज़्यादा मेहनत होगा उसके तो वैल्यू भी ज़्यादा ही होगी। कारपेट यहीं भीमतला में बनाते हैं, हमारे सेंटर है भीमतला में, और मैं तो यहाँ सिखाती हूँ और गांव की औरतें आते हैं सीखने। पहले जैसे कॉटन का धागा ला दिया, उस पर पूरा मशीन पर लपेट दिया, उस पर लपेट के धागा इस हिसाब से डालते हैं जी कितना धागा डालना हमने, किसी का 2 फीट का आसन हो गया, किसी को 20 इंच का बन गया, फिर खुरपी से उसको सीधा किया, तो उसके बाद तो हम बुनाई शुरू करते हैं। डिज़ाइन मैं ही बनाती हूँ। अब डिज़ाइन में भी ये है कि पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा हमको, तब डिज़ाइन शुरू करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमको नाप नाप करके इंच टेप से नाप करके बनाना पड़ता है उसको। औरतों को तो बढ़ावा तो मिलना ही चाहिए, वैसे मिल भी रहा है, तो फिर भी औरत ये है कि घर के काम में फिर बिजी रह जाते हैं, उसी में लपेटे रहते हैं वो लोग। तो मैं तो कहती हूँ भाई चलो मेरे साथ ही चलो, कहीं आपने कहीं लगाना है, बाजार लगाना है। अब तो यहाँ हमारे गांव में अलग अलग समूह हो गया, औरतें समूह, तो समूह में काम करते हैं वो लोग। क्या बोलूँ मैं, ये है कि बेरोजगार बढ़ेगा तो खुद इसमें आ जाएंगे, हर कोई आ रही है इस लाइन पे। जैसे खेती वाले खेत करते हैं, बाढ़ आ गया बह गया, बंदर आ गए खा गए, हमारा तो कोई बंदर नहीं खाता ना, अगर चीज़ बना है तो एक मुश्त में कभी ना कभी बिक ही जाता है हमारा। करता उसको पहचान होती है कि भाई कितना मेहनत लगता है, जब हम बना के खुद बेचते हैं तो हमको ये पता होता है हमने ये मजबूती अपने विश्वास से बेचा है, इसको विश्वास हो जाता है हाँ वो कल ग्राहक भी दोबारा आ जाए।